सो मसीह विच मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वल्लों आप सबनों प्यार भरी जय मसीह दी। सो अज असी एक खास विषय उत्ते परमेश्वर के वचन के विच एक बहुत ही गहरी शिक्षा नूं सुनांगे और उस शिक्षा नूं अपनी अपनी जिंदगी लागू करांगे। सो बहुत बार मसीह विच आउण तों बाद भी साडी जिंदगी विच साडे घरां साडे परिवारां दे विच ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं, ऐसे मसले उलझ जाते हैं जिन्ना मसलों नूं सुलझाउण दे लई जां जिन्ना विवादां नूं खत्म करन दे लई बहुत सारे मसीह लोग बेपरतीते सरपंचा मैंबरां कोले, बेपरतीते प्रधानां कोले, बेपरतीते वकीलां और जजां दे कोले गेड़े लाउंदे आ। पर परमेश्वर दा वचन मसीह विच आउण तों बाद सानू ये इजाजत किते भी नहीं दिंदा कि मसीह लोगों ने जिहड़े उलझे हुए मसले है वह बेपरतीतियां दे द्वारा सुलझाए जाण। जेकर किते ना किते असी अपने परिवार विच अपनियां जिंदगियां विच कुछ उलझना नूं असी वेख रहे हां और उन्हां उलझना नूं सुलझाउण दे लई असी बेपरतीते लोगों के कोले जाने हैं जिहड़े परमेश्वर के वचन का ज्ञान परमेश्वर की बुद्धि समझ ज्ञान नहीं रखते। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी फिर उलझे मसीह हैं, सुलझे हुए मसीह नहीं है। पर परमेश्वर सानू उलझे हुए नहीं बल्कि सुलझे हुए लोग बनाउंदा है। जेकर मसीह विच आके असी सुलझे हुए मसीह नहीं बनते तो सानू गौर करन दी लोड़ है कि साडे अंदर कि शिक्षा काम कर रही है। सानू परमेश्वर का वचन ये इजाजत नहीं दिंदा, ये नहीं कि मसीह विच आउण तों बाद साडी जिंदगी विच कोई उलझन नहीं आ सकती, कोई मुद्दा नहीं खड़ा हो सकता। मुद्दे खड़ा हो सकते हैं, घर च वाद विवाद हो सकते हैं, पर उन्हां दे जिहड़े हल है वह बेपरतीतियां दे द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। बल्कि मसीह लोगों ने जिहड़े उलझे हुए मसले है वह सुलझे हुए मसीह लोगों के द्वारा ही सुलझाए जाने चाहिए है। क्योंकि असी उस खुदा दे लोग हैं जो प्रभुआं दा प्रभु, राजां दा राजा, जिहड़ा जलाली है, जिहड़ा बुद्ध दा मालिक है। तो यह गल शोभा नहीं दिंदी कि मसीह लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, तौबा किए हुए लोग, बपतिस्मा लिते हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग अपने मसलियां नूं सुलझाउण दे लई बेपरतीते लोगों के कोले गेड़े लाउण जां बेपरतीते लोगों के कोले भज्जे फिरन जां रिश्वत दे के अपने मसलियां नूं हल करवाउण वाले होण। सो साडे लई हल जिथे होना वह परमेश्वर ने अपने सेवकां नूं ठहराया होया है। जिहड़ा असीं पहला ग्रंथिया 6 अध्याय पूरी तरह पढ़ते हाँ तो उत्थे बड़ी बरीकी दे नाल परमेश्वर दे आत्मा ने संत पौलुस दे द्वारा मसीह सेवकां नाल और मसीह कलीसिया दे नाल गल कीती है। सो अज दी जिहड़ी शिक्षा ये मसीह कलीसिया दे लई भी है और खास करके मसीह सेवकां दे लई है जिहड़े मसीह दी सेवा कर रहे हैं। मसीह सेवकां नूं मैं ये गल कहना चाहुंदा हाँ, जेकर तुहाडे चर्च दे मैंबर कोर्ट कचहरी गेड़े ला रहे हैं, बेपरतीते सरपंचा कोले प्रधानां कोले भज्जे फिरदे आ, तो परमेश्वर ने तुहानूं इन्नी बुद्धि दित्ती हुई है, परमेश्वर ने तुहानूं इन्नी समझ दित्ती हुई है कि तुसीं अपने चर्च के लोगों को अपने चर्च में बिठाओ और उन्होंने जो भी उलझे हुए मसले हैं तुसीं परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने सुलझाओ। क्योंकि कलीसिया उलझी हुई नहीं बल्कि सुलझी हुई कलीसिया होनी चाहिए है और सुलझी हुई कलीसिया अपने आप के लिए बेपरतीते लोगों के लिए एक वड्डी बरकत का कारण बन सकती है। उलझे हुए जिहड़े आप ही उलझे पे हो किसी नूं की सुलझा देणगे, इसलिए जरूरी है। संत पौलुस ने आख्या पहला करंथिया 6 अध्याय और 2 वचन च कि तुसी नहीं जानते हो भाई संत जन जगत का न्याय करनगे। कि शानदार गल है, संत पौलुस कह रहा कि जो मसीह के संत है जिहड़े अगुवे है वह जगत का न्याय करनगे, ते जो मसीह नूं मन रहे उन्हां दा किवें न्याय करनगे, उन्हां दे उलझे हुए मसलों का किवें न्याय करनगे। ये परमेश्वर दे वल्लों अधिकार मिले है जो परमेश्वर की सेवा करन दे लई आगू ठहराए गए हैं
कि वह अपने लोगों के जो उलझे हुए मसले उन्होंने सुलझाउण। और कलीसिया के अगे मेरी ये बेनती है कि वह अपने अगवे की गल नू फॉलो करन, क्योंकि एक सच्चा अगवा, एक सही अगवा वह तुहानू प्यार भी करेगा और वह तुहाडा सही बाइबल के अनुसार न्याय भी करेगा। परमेश्वर दे विच दो गुण पाए जाते हैं, परमेश्वर प्रेम करने वाला भी है तो सही न्याय करने वाला भी है। प्यार दे विच उन्हें अपने बेटे नू कुर्बान कर दिता, जिहड़ी सजा तुहाडे ते मेरे ते होनी सी वह अपने पुत्र तले पा दिती। ये प्यार है खुदा का। यीशु मसीह ने कहा इतों वध प्यार किसे दा नहीं जो अपने मित्रां दे बदले अपनी जान दे देवे। पर जद न्याय की गल आती है तो परमेश्वर पक्षपात नहीं किसे दा करदा, और एक सही अगुवा बिना पक्षपात किए वह सही न्याय करे अपने चर्च के मैंबर का। और जब एक सही अगवे के द्वारा चर्च के मैंबर के सही हल किए जाएंगे, सही नबेड़े किए जाएंगे, तो चर्च के लोग कदे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लाएंगे, कदे भी वह बेपरती प्रधानों को सरपंचों को गेड़े नहीं लाएंगे, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, दिमाग खराब नहीं करेंगे, पैसा खराब नहीं करेंगे, अपना घर खराब नहीं करेंगे। इसलिए सानू गंभीर होने की जरूरत है सेवकों ते कलीसियावां नू। कलीसिया लई इह जरूरी है कि अपने उलझे हुए मसलियां नू चर्च के द्वारा ही नबेड़न, अपने अगवे दे अगे बेनती करन, सच्चाई दसन, और विच कोई झूठ ना होवे, और सही अगवा सही नबेड़ा करेगा। इसलिए अपने अगवे का आदर करो, अपने अगवे की रिस्पैक्ट करो, और अपने घर का सुधार परमेश्वर के वचना के अनुसार ही करवाओ। ये मसीह लोगों के लिए शोभा वाली गल नहीं है, लाभ वाली गल नहीं है कि तौबा किए हुए पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, बपतिस्मा लिते हुए लोग बेपरतीते लोगों के कोल जाके अपने नबेड़े करवा। सो बेनती है एक खुदा का दास होने के नाते तुहाडे अगे कि तुसी अपने सारे मसलों नू परमेश्वर के दासां दे अगे रखो, और परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नबेड़ा तुहाडा करन। और इस वचन नू चंगी तरह सीखने के लिए, इस शिक्षा नू समझन के लिए तुसी पहला करंथिया 6 अध्याय पूरी तरह स्टडी करो, मनन करो, उन्ना चिर पढ़ते रहो जिन्ना चिर तुहानू पूरी समझ ना लग जाए। सो प्रभु इस शिक्षा के द्वारा तुहाडी जिंदगी विच एक वड्डे मोड़ नू लैके आवे, वड्डे बदलाव नू लैके आवे। सब नू जय मसीह।